अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर DDUGU के वुमेन स्टडी सेंटर ग्वाक्टा और गृह विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में लेट्स वॉक टुगेदर वॉकाथन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर वॉकाथन को रवाना किया। वॉकाथन का मकसद लैंगिक समानता पर महिलाओं के साथ समाज के अन्य लोगों को जागरूक करना था, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने बताया कि भारत में नारी को पूजा जाता है और भारत को भारत माता भी कहा जाता है। प्राचीन काल से महिलाओं को ऊंचा स्थान दिया गया है और आज की महिला जागरूक है और अपने सशक्तिकरण के लिए लड़ रही हैं और हर क्षेत्र में अपना जीवन यापन कर रही हैं। वही आयोजन सचिव वुमेन स्टडीज सेंटर की डायरेक्टर प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह ने बताया कि जब तक समाज के दो पहिए स्त्री और पुरुष साथ मिलकर कदम से कदम मिलकर आगे नहीं चलेंगे, तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता। इस अवसर पर कार्यक्रम की समन्वयक और वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर नंदिता सिंह, आयोजन सचिव वुमेन स्टडीज सेंटर की डायरेक्टर प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह, प्रोफेसर सुनीता मुर्मू, प्रोफेसर सुषमा पांडे, गोरखपुर विश्वविद्यालय के PRO MK सिंह सहित अन्य अध्यापक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आयोजन सचिव वुमेन स्टडीज सेंटर की डायरेक्टर प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा। मेरा नाम डॉक्टर दिव्या सिंह है। आज जैसा आपको पता है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और उस उपलक्ष्य में हम लोग जेंडर इक्वालिटी, जो इस बार UN की थीम है जेंडर इक्वालिटी फॉर सस्टेनेबल टुमारो, तो उसको लेकर के हम लोग ये जेंडर वॉक है, लेट्स वॉक टुगेदर, इसका थीम हम लोग ने दिया है। और इसमें हम लोग वॉकाथॉन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ये जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक हम समाज के दो पहिए स्त्री और पुरुष साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ा के आगे नहीं चलेंगे, तब तक इस समाज का विकास असंभव है। स्त्रियों की जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण, क्योंकि हम पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, जो कि उन लोगों को संवेदनशील होना पड़ेगा हमारी ज़रूरतों को लेकर, और ऐसे ही हम लोगों को संवेदनशील होना पड़ेगा उनकी ज़रूरतों को लेकर। तो इसी को जागरूक करने के लिए हम तमाम जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, और हमारी जो बॉडी है वुमेंस एसोसिएशन, जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी वुमेंस वेलफेयर एसोसिएशन है, महिला अध्ययन केंद्र यानी वुमेंस स्टडी सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, इसके तत्वाधान में हम लोग आज ये वॉकेथॉन का आयोजन हम लोगों ने किया। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी इस कार्यक्रम से? एक वॉक ये एक सिंबॉलिक कार्यक्रम है, जिससे अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी उनकी समस्याएं हैं वो खुद अपने आत्मबल से उसका निराकरण स्वयं कर सकती हैं। और अगर जो पुरुष है, जो दूसरी आबादी है, जेंडर इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं संभावना से, तो अगर वो सपोर्ट कर दे तो वो जितनी भी समस्याएं हैं उसका निराकरण बहुत आराम से हो सकता है, बस संवेदनशीलता की ज़रूरत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ हम गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी की सभी छात्राएं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट, टीचर्स, प्रोफेसर्स सब एकत्रित होकर एक साथ वॉकाथन कर रहे हैं, जिसके यानी कि 1 किलोमीटर ये लोग चल के जाएंगी और नारी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। हर्ष का विषय है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस बार का जो स्लोगन है वो है जेंडर इक्वालिटी
एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हम कैसे कंटिन्यू करें आगे के काल में भी हमारा लैंगिक जो डिस्पैरिटी है, जिस अलग उसको समझा जाता है कि पुरुष अलग है महिला अलग है, उसको हम एक समझें और एक बनाए रखने की कोशिश करें। ये स्लोगन हम लोग को यूएन से दिया जाता है। ये बड़ी ऐसी बात है कि वहाँ भी ये डिफरेंस किया जाता है कि महिला और पुरुष में, लड़के और लड़की में, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्लोगन इस बार दिया गया है। और हम भारत की नारियों का कोशिश यही रहता है कि हम हर तरह से पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, और किसी क्षेत्र में हम कम नहीं हैं, और 50% से ज़्यादा 52% जब हमारी पॉपुलेशन है, महिलाओं का पॉपुलेशन है, तो वैसे हम आधी भारत की आधे जनगण वो है, आधी क्या आधी आबादी आबादी है, आधी आबादी है। तो ऐसे में हम लोगों को सब राइट्स वैसे ही मिलना चाहिए जैसे पुरुष को मिलता है, और हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। भारत में तो नारी को पूजा भी जाता है और भारत को माता ही कहा जाता है, तो नारी को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया प्राचीन काल में भी, और बीच में जब कुछ ऐसे राज आए जिसमें कि नारी को हे दृष्टि देखा गया और उसे घर में रख दिया गया, लेकिन आज फिर से नारी जागरूक है और अपने सशक्तिकरण के लिए लड़ रही है और हर तरह से सशक्त है, और वो अपने को इस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से पेश कर सकती है और आ सकती है। इसलिए आज हम लोगों ने ये वॉकथन यहाँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी की महिलाएं और छात्राओं और प्रोफेसर टीचर्स सबने ये रैली निकाला है।